फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर भोपाल की वैकेंसी जो कि आपकी आउट की गई थी राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र में, आपके संस्थान में ये वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, जिसमें आपकी एमटीएस के पदों पर रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट ने ऑफलाइन फॉरम इसका अप्लाई किया हुआ था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन उस वैकेंसीज को आपको कैंसिल कर दिया गया है। जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंड आपको ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी एमटीएस से अप्लाई किया था, 10th पास वाले कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई किया था 8 पोस्ट के लिए, उनकी वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका नोटिस कंप्लीट चेक कर लें। आपको मैं दिखाने वाला हूं कैसे आपको एप्लीकेशन की रिफंड आपको होने वाली है। एप्लीकेशन फी आपको बाई डाक आपके घर के घर पर या एड्रेस पर आपको पहुंचने वाली। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं जो कि आपकी वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी आईसीएमआर भोपाल की तरफ से, बोरी बाईपास की तरफ से ये रिक्रूटमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई थी। जो कि आप देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए टोटल 20 पद आपके आउट किए गए थे और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 8 वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, जिसमें अदर की 4 पोस्ट थी, ओबीसी की 2 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट थी, एसटी की 1 पोस्ट और ईएसएम की 2 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट लेवल 1 की पोस्ट थी, जिसमें 10वीं पास आपसे मांगा गया था। तो जो भी कैंडिडेट थे 25 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, जिसका ऑफलाइन फॉर्म आपसे भरवाया गया था। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट डीडी आपसे बनवाया गया था, जो कि आपके जो भी कैंडिडेट ने एग्लेबल थे उनके लिए आपका ये रहने वाला था, जिसमें आपके एग्लेबल वाले कैंडिडेट यूआर के कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें आपने फ़ीस दी होगी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो भी आपने एप्लीकेशन फ़ीस दी होगी तो ये, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो भी आपने एप्लीकेशन फ़ी आपकी दी होगी। तो आपने 300 रुपये का जो डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया था और आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया था, वो डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपको वापस बाई पोस्ट आपके घर पर पहुँचने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी कैंसिल हो चुकी हैं। एमटीएस की पद को आपको चेंज करके उन्होंने कर दिया गया है लेब अटेंडेंट। लेब अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट रखते हैं उनका फॉर्म एक्सेप्टेड किया जाएगा, या जो भी कैंडिडेट ने लेब अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, जिनके पास 1 साल का लेब अटेंडेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैंडिडेट के आपकी अप्लीकेशन फ़ी जो भी अदर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट से ही अप्लीकेशन फ़ी मांगी गई थी, तो वो कैंडिडेट की अप्लीकेशन फी वापस रिफंड आपकी बाई पोस्ट आपके घर पे सेंड की जाएगी। उसका भी नोटिस आपका जारी हो चुका है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लेब अटेंडेंट की वैकेंसी चेंज कर दी गई एमटीएस की पोस्ट को। ये स्क्रीन पे दोबारा से नोटिस आपका जारी किया गया था, तो ये वैकेंसीज का नोटिस भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी टेक्नीशियन की सेम पद आपके 20 वैकेंसीज रखी गई थी, क्वालिफिकेशन भी सेम आपकी रखी गई थी, 12वीं पास के साथ 55% मार्क्स के साथ आपका डीएमएलटी आपके मांगा गया था, लेकिन आपकी जो पोस्ट थी 8 पोस्ट उसको जो एमटीएस के पद थे उनको लेब अटेंडेंट 1 आपका पोस्ट कर दिया गया है, जिनकी वैकेंसीज आपकी सेम रखी गई हैं, लेवल भी आपका सेम रखा गया है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन आपकी चेंज कर दी गई है, जो कि आधे से ज़्यादा मतलब 95% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि 10th बेस पे ही आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा, मार्क्स आपके कर दिए गए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एमटीएस पद के लिए अप्लाई किया था, उनके 50% मार्क्स नहीं है, तो एक आपके कारण ये हो जाएगा रिजेक्टेड होने का। दूसरा कारण आपका ये होगा कि प्लस आप देख सकते हैं इसमें 10वीं पास के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मांग लिया गया था, कहीं भी रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड लेब या आईटीआई आपने किया है वो उसका आपका लेब अटेंडेंट से संबंधित 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया गया था। तो यदि आपने 1 साल का एक्सपीरियंस आपने साथ में लगाया है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड किया जाएगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन सभी कैंडिडेट के लिए रिजेक्टेड हो चुकी है, चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों सभी की रिजेक्टेड हो चुकी है। आपने 10वीं पास में आपने 50% मार्क्स रखते हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाया लेब अटेंडेंट का, तो ही एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेड किया जाएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपके एप्लीकेशन फ़ी यदि आपने पेड किए तो वह
पोस्ट ऑल ऑफिस के माध्यम से आपको वापस रिफंड की जाएगी। इसमें आप ये नीचे आपका नोटिस में देख सकते हैं, यदि आपने रिसीव्ड अप्लीकेशन फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यदि आपने अप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है उनमें से यदि आप लेबर अटेंडेंट के साथ आपने जो भी लेबर अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें क्राइटेरिया जो भी आपका दिए गए क्राइटेरिया है ये वाला क्राइटेरिया यदि आपने फुलफिल करते हैं, मतलब आप ये क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आपको लेबर अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए कंसिडर किया जाएगा, जो आपका उसमें एक्सेप्टेड फॉर्म किया जाएगा। नहीं तो यदि आप ये क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, जो भी एमटीएस की पोस्ट के लिए जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो नहीं एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगी है उसका भी एप्लीकेशन फ़ी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो एप्लीकेशन फ़ी जिन्होंने पेड की है तो उनकी एप्लीकेशन फ़ी दोबारा से रिफंड आपकी हो जाएगी। रिफंड का भी नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे आप तीसरा नोटिस देख सकते हैं कि आईसीएमआर भोपाल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप साफ दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट ने एमटीएस पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उन कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट के यदि क्राइटेरिया आप रखते हैं फुलफिल करते हैं जो भी लेबर अटेंडेंट से संबंधित क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो एप्लीकेशन को आपको कंसिडर किया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्टेड किया जाएगा, लेबर अटेंडेंट में आपका एडमिट कार्ड भी आपका आराम से आ जाएगा। यदि आप लेबर अटेंडेंट से संबंधित क्राइटेरिया जो भी क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी आपको पेड कर दी जाएगी, आपकी फ़ी है वो रिटर्न कर दी जाएगी, इसमें आपका साफ दिया हुआ है आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वापस आपको रिटर्न की जाएगी बाय दे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही वापस रिफंड आपकी एप्लीकेशन फ़ी आपकी होने वाली है, क्योंकि आपकी जो भी फॉर्म थे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑफलाइन भरे गए थे तो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रिफंड होगी, ऑफलाइन ही आपकी दोबारा से जो भी आपका डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपने बना के भेजा है वही आपका रिफंड वापस से पोस्ट के माध्यम से वापस आपके घर पे पहुंचने वाला है। लेकिन आपके कैंडिडेट को कोई भी फायदा इसमें नहीं होगा, जो भी आपने 300 रुपये का डीडी आपने बनवाया है यदि वापस आप उसको रिफंड के लिए जाएंगे तो आपको 1 रुपया भी उसका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डीडी में ऐसा सिस्टम होता है यदि किसी के नाम पे आपने डीडी बनवा दी तो उसका अमाउंट आपका वापस उस पर चार्जेज लगकर वापस आप बहुत सारा अमाउंट आपसे ले लिया जाता है और 1 रुपये भी आपको रिफंड नहीं होने वाला है। कैंडिडेट के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि आपकी जो डीडी यदि वापस रिफंड की जाती है आपके जो भी डीडी आपने भेजी थी वो आपका 1 रुपया भी उसका वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो सिस्टम रहता है डीडी का आपका पैसा जो भी आपके चार्जेज लगकर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से आपके रुपए वापस नहीं मिल पाएंगे। यदि आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता, लेकिन डीडी में ऐसा सिस्टम आपका नहीं होता है। जो भी एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, बाकी के जो भी कैंडिडेट ने लेबर अटेंडेंट के जो भी आपकी वैकेंसी के हिसाब से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपका एडमिट कार्ड सितंबर में जारी हो जाए। जो भी टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके भी एग्जाम सितंबर में होंगे और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट भी इसमें आउट की गई थी दोबारा से तो उसके भी एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे जो भी आपके सितंबर में लास्ट तक आपकी एग्जाम करवा ली जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं बाकी के ट्रेड के हैं वो कैंडिडेट अपनी तैयारी करें और लेबर अटेंडेंट से आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन लगाई है तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आ जाएगा और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। जिसकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन की जो भी आपका सिलेबस है वो भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। नोटिफिकेशन रिजल्ट नोटिस एंड अदर जो भी जानकारी इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है way2jobsearch.com, ये गूगल पे सर्च करके आप हमारी वेबसाइट पर भी पूरी कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हैं। तो ये आप गूगल पे इस प्रकार से सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल पेज का सरफेस ओपन होगा जिसपे कंप्लीट जानकारी आप हमारी चेक कर पाएंगे। पेज ओपनर दिखाई देगा जिसमें यहाँ पे क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर आप पहुँच सकते हैं। वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपलोड की हुई है, वहाँ से कंप्लीट जानकारी आप